Okay, dear students, good morning. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So last time मैं एक problem कर रहा था, शायद दिया था क्या पूरा problem, और sphere of mass 10 kg makes a perfectly inelastic collision, वो दिया पर dictate किया था कि बाकी था. Yes, बच्चे dear बच्चे हैं. So, आपने डिक्टेट कर दिया. We were doing a body of mass 5 kg traveling mass 5 kg या 10 kg क्या था सर? 5 kg it was 5 kg collides head on collides head on with body of 10 kg initially it rests. अच्छा, collide head on. एक मिनट ना. 20 चलो बोल दो, मेरे को तो मिल नहीं रहा प्रॉब्लम. बॉडी ऑफ मास 5 केजी ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स हेड ऑन विद. हां हां हां, बराबर मिल गया. और बॉडी ऑफ मास 5 केजी ट्रैवलिंग विद 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स विद अनदर बॉडी हेड ऑन mass of 10 kg initially at rest 0 meter per second. The 10 kg mass moves with a velocity of 10 meter per second. No, 10 kg mass 6 meter per second. Find the coefficient of restitution. कैसे करेंगे इसको? ये तो बड़ा प्रॉब्लम, अजीब प्रॉब्लम है. इक्वल टू वर्क पूछा है, इक्वल क्वेश्चन मार्क पूछा है. कैसे करें? इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. लेकिन यहां पे तो बहुत लफड़ा है, v1 तो दिया ही नहीं है. एक मिनट प्रॉब्लम बताता हूं. देखो प्रॉब्लम ऐसे है, 5 किलो की मास की 10 मीटर पर सेकंड से जाकर टकराई, सर से सर टक्कर मारा. दूसरी मास जो कि भारी थी उससे डबल भारी, लेकिन रेस्ट पे थी. फिर क्या हुआ? दूसरी वाली मास की वेलोसिटी 10.6 मीटर पर सेकंड. बोलो बोलते हैं व्हाट मस्ट बी छोटा ही. प्रॉब्लम बताओ, मास प्रॉब्लम बता सर. एक 5 केजी सर, एक बॉडी 5 केजी मास की है, वो 10 केजी मास पे जाके टकराती है, पर वो 10 केजी जो मास रहता है वो रेस्ट पे रहता है. हाँ हाँ हाँ, राइट है, गुड. आगे टक्कर खाने के बाद क्या होता है? अरे टक्कर खाने के बाद क्या होता है हुसैन? टक्कर के बाद क्या बोला है? सर द वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 6 मीटर पर सेकंड. हाँ, और क्या पूछा है? सो यू हैव टू फाइंड स्मॉल ई. बल्केस ई का फार्मूला बोल. ई का फार्मूला बल्केस, ई का फॉर्मूला बोल. यस सर. सर ई इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2. ओके, ई की वैल्यू हमको ढूंढनी है. v2 कितना दिया है? 6. v1 पता नहीं है. u1 कितना दिया? 10. u2 कितना है? 0. दैट मींस 6 माइनस v1 अपॉन 10. अब करे तो करे क्या? अब आगे कैसे करे? एनीबडी? Vidhi, what should I do? Vidhi, Om. कोई तो बताओ यार, मैं फंस गया हूँ. How to come out of this trouble? V1 मिल जाता तो खटक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता. Sir, law of momentum. That is right. कितना इजी आंसर है. Applying law of conservation of momentum. कितना इजी इजी है. Apply law of conservation of momentum. M1 U1 plus M2 U2. Equal to m1 v1 plus m2 v2. m1 कितने हैं? 5 किलो. u1 कितने हैं? 10. m2 कितने हैं? 10 किलो. u2 कितने हैं? 0. m1 अगेन 5, v1 plus 10, v2 कितना दिया है? 6. चलो जल्दी निकालो v1 का आंसर, और आंसर निकाल के बताओ e का फॉर आंसर क्या है. फाइनली टेल मी.
V1 equals to 2. V1 equal to 2. And therefore, what is E equal to? Minus two. तो माइनस तो हटा देने का ना माइनस बिना बात क्यों परेशान करते हैं 2 meter per second ना व्हाट डज माइनस साइन शोस ऑपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग इन वन व्हाट विल आई गेट इक्वल टू 6 - 2/10 दैट इज इक्वल टू 4/10 इक्वल टू 0.4 एम आई राइट Sir, minus 2, so it will become... It will become 8. Only one student is giving right answer. Peak answer is 0.8. Peak answer is 0.8. Vidhi, understood? Yes, sir. Vidhi, okay, good. Hussain Daginawala. Yes, sir. Omar Burgesh, everyone. Yes, sir. Okay. Then ek dusra problem likho. Ek agla problem likho. A ball is released from red. A ball is released from red. From a height of 40 meter. From a height of 40 meter. The ball is released from? From rest, from a height of 40 meter. On a horizontal surface. Full stop. If it rebounds to a height of 10 meter, if it rebounds to a height of 10 meter, find chota e. C-double-H-O-T-chota. लिखना मत हाँ C-double-H देखो डायग्राम बनाने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है ये टक्कर खाने के बाद दूर रखते हुआ हाइडर H dash equal to 10 meters. भूख लग ले तो चाहिए ना चाह मैं problem explain कर रहा हूँ और हमको बोले छोटा d कितना चाहिए देता ना चाहिए झाड़ू वाले नहीं करने पड़ते देखो एक रिजल्ट ले लो ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट Before actually explaining this problem, एक result लिखो उसके बाद में ये लिख डालो result
मैं समझा देता हूँ, समझा दूँ आपको। ओ बच्चे लोग, प्यारे बच्चों, ये कॉपी करने के बाद रुक जाओ दो मिनट और मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो सुनो सब लोग, मैं ये इतना कॉपी किया गया, यहाँ तक कॉपी किया, ओ यहाँ तक कॉपी किया गया, यस नो ओके। देखो कभी भी है ना, सपोज ये फिक्स सरफेस है और इस पे एक बॉल टकरा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, और सपोज ई इज 0.6, देन इट विल रिबाउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.6 इनटू 10, यानी कितना 6 मीटर पर सेकंड। ये खाली ध्यान में रखो, वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड इज ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ कोलिजन। ये अगर वी तो ये वेलोसिटी होगी ई वी, ई इनटू वी, ये खाली डिजिटल ध्यान में रखो, टकराने की वेलोसिटी वी तो रिबाउंड होने की वेलोसिटी ई भी। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा ई इज 1, तो जितने अमाउंट से टकराएगी उतनी वेलोसिटी से ही वो रिबाउंड होगी, ई इक्वल टू 1 होगा तो। बट ई इक्वल टू 1 जनरली होता है कि नहीं होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता है प्यारे बच्चों? अरे इक्वल टू 1 होता है कि नहीं जनरली प्रैक्टिकल कोलिजन में? होता है ना ऑब्वियसली, विधि होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? सब लोगों ने अपना मुंह में बंद कर लिया। आफिफ, इक्वल टू 1 होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। इक्वल टू 1 ओनली इन इलास्टिक कोलिजन होता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देते। जो प्रैक्टिकल कोलिजन होते हैं उसमें ई हमेशा लेस देन 1 होता है, ध्यान रखो। और जैसे मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो सब दिखते थोड़ी है, प्रैक्टिकल कोलिजन में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल कोलिजन में ई वन नहीं होता। अब सुनो ये रिजल्ट के बाद हमारा प्रॉब्लम क्या है। एक बॉल थी, उसने 40 मीटर से ड्रॉप किया, टक्कर खाई, टक्कराने के बाद वो जाई 10 मीटर ऊपर। तो लोग बोलते हैं इसका ई कितना होवेगा, ई कितना होवेगा? इज द प्रॉब्लम क्लियर? यस सर। इज द प्रॉब्लम क्लियर? भार्गव प्रॉब्लम बता। यस सर। सर एक बॉल बाउंस होता है और वो 10 मीटर पर सेकंड से बाउंस होता है, ई सिक्स रहता है, ई 0.6 रहता है, तो अगर वो बाउंस होता है तो ई और वी 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, वो रीबाउंस होता है। कितने प्रॉब्लम में 6 मीटर पर सेकंड क्या कर रहा है? प्रॉब्लम है सर, आपने तो बताया था एक बॉल थी which is dropped from a height of 40 meter, 40 meter से गिरा, टक्कर खाने के बाद वो बॉल गई ऊपर to a height of 10 meter, तो वो बोलते हैं छोटा e की वैल्यू क्या होगी? ये प्रॉब्लम है क्या बर्गेस, कहाँ घुस गए तुम बेटा? विधि प्रॉब्लम बता। So there's a ball which is released from rest from a height of 40 meter. It rebounds to height of 10 meter. We have to find small e. Yeah, बस बर्गेस किधर घुस गए तुम बेटा? Okay, मुझे इतना बताओ, if v is the velocity of impact, तो what will be velocity v1 of rebound, first rebound हो रहा है ना, तो can I say what is the velocity ev? पहले ये पता है आपको? ये अभी अभी दिया ना result, बोलो ना। Yes sir. Yes sir. अब मुझे बताओ, can I apply the formula? Let us say this is a to b. And this is B to C. Alright. A to B. Tell me, can I apply the formula V square equal to U square plus 2GH? Therefore, V square equal to 0 plus 2GH. Therefore, V square equal to 2GH. Therefore, V square proportionally can equal. Anybody? V square proportional to can equal. Constant ko bhaga dena hai. बोलो देखो, जो कॉन्स्टेंट है ना वो कभी भी इक्वल से प्रोपोर्शनल, क्या टू चेंज होने वाले? टू बार बार चेंज होंगे कि टू का टू ही रहने वाला है?
is a constant. G is a constant. H is not constant. देखो 40 मीटर का 10 मीटर का इसलिए v square is proportional to h. Constant को घटा घटा देने का. देखो v is proportional to root of h. Tell me that clear? And we never forget e equal to v1 by v. देखो v1 is e तो e may be v1 by v. And मुझे बताओ therefore v1 by v क्या होगा equal to anybody? अरे इसको इसको देख के इधर बताओ. चलो इसको देख के इधर बताओ. अरे बताओ h upon h1 या h1 upon h. चलो हिंट h upon h1 या h1 upon h. h1 upon h. h1 upon h क्योंकि v1 का वही प्रोपोर्शनल जो है ना डायरेक्टली है इसलिए ये सबवेक्स इसके सामने होगा और इसके सामने ये होगा. अगर इन्वर्सली होता तो v1 के इधर h1 ही आता और v ऊपर जाता. h1 कितना दिया है? H1 कितना दिया है? 40. H1, H1. Sir, 10. And H? 40. 40. So can I say that is root of 1 by 4? That is 1 by 2. And therefore V1 by V. But V1 is how many times V? V1 कितना दिया है? Velocity of rebound is E times velocity of impact. Therefore, can I say E into V upon V equal to half? एक बार फिर से बताता हूँ. एक बार फिर से बताता हूँ. देखो पहले कॉपी कर लो. चलो आपको अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो एक ही बात ध्यान रखना, आपके प्रॉब्लम बहुत मस्त होने चाहिए. आपके प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए तो आपको फिजिक्स में बहुत मजा आएगा पढ़ने में. अगर प्रॉब्लम नहीं आते तो यू विल बी इन ट्रबल. और इसलिए मेरे को परेशान करो, प्रॉब्लम नहीं आता मेरे को पूछो बार बार सर ये क्या वो क्या कैसे क्या. आई वुड लव दैट. और मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा तुम्हारे क्वेश्चन से. आई विल नेवर गेट एंग्री, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. एंड डोंट थिंक यू आर आस्किंग अ सिली क्वेश्चन, वो दिमाग से निकल दो. वॉट एवर मे बी क्वेश्चन बिंदास पूछो. डोंट एवर थिंक कि बाकी के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. ओके इधर देखो. सबसे पहले मैंने मोशन फ्रॉम ए टू बी लिया. यहाँ पे यू जीरो ड्रॉप किया तो यू इज जीरो. टकराते टाइम लेटेस्ट वेलोसिटी इज वी तो वी स्क्वायर टू जी एच. बट वी स्क्वायर इज टू जी एच. देखो टू इज अ कॉन्स्टेंट, जी इज अ कॉन्स्टेंट. जी तो इधर भी 9.8 हर जगह 9.8 रहेगा तो इसको हटा दिया. देखो वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एच. देखो वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट एच. Therefore, v1 by v is root of h1 by h. h1 कितना दिया है? 10. h कितना दिया है? 40. So, 10 upon 40. That is 1 by 4. That is 1 by 2. And therefore, v1 by v is 1 by 2. But v1 is what? E v. V1 can you see is E into v. Velocity of rebound is E times velocity of impact. So, ev upon v is half. Vv gets cancelled. V 0.5. Khalas. I hope that's clear. Yes, sir. बोलो प्यारे बच्चों कि एक बार और रिपीट कर दूं वंस मोर. कहां पे तकलीफ लगती है सर? ये वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा हमको. कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लगा जरा मेरे को बोलो. हुसैन हुसैन. यस सर. कोई पार्ट जहाँ पे ऐसा तकलीफ है थोड़ी सी? थोड़ी सी तकलीफ सर ये थोड़ा सा इधर क्लियर करो ना. ऐसा है कोई? हाँ हाँ क्या I got it. Okay, every one of you, Marj, beta. Yes, sir. Okay, अभी अगला problem लिखो. You can write अगला problem. A sphere moving with a velocity u. छोटा u collides
Total U collides. Head on. Head on. Surface se takrar hai. Head on. With another exactly similar sphere at rest. With another exactly similar sphere at rest. With another? Another sphere at rest. Exactly with another sphere which is at rest. Show that ratios of velocities after collision. So that ratio of velocities after collision is 1 minus E upon 1 plus E. ये देख के स्टूडेंट लोग की हालत खराब हो जाती है, बोलती है बाप रे सर, वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, हाँ वेलोसिटी ऑफ कोलिजन, शो दैट रेशियो ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, शो दैट रेशियोज ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द टू स्फीयर्स आफ्टर कोलिजन इज गिवन बाय 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, इज गिवन बाय 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई. चलो अभी है ना डायग्राम तो सबको आ जाएगा, डायग्राम बनाओ, चलो सब लोग डायग्राम बनाओ, सब लोग डायग्राम बनाओ. देखो मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज. लिख रहेगा बंद. देखो एक स्फीयर था, चला जा रहा था विद वेलोसिटी यू, टकरा था अनदर एग्जैक्टली सेम स्फीयर, इसलिए मैंने एम लिखा, तो इधर एम लिखा विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट. टकराने के बाद वो ये बोलते हैं शो दैट रेशियो वेलोसिटीज इज गिवन बाय 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई. ओम प्रॉब्लम बता, ओम प्रॉब्लम बता, ये ओम का बड़ा प्रॉब्लम है यार. ओम भी जब मन में आते तभी भाग गया क्या? भाग गया. यस ही हैज लेफ्ट. ओके जीतू प्रॉब्लम बता, अब आ गया जीतू प्रॉब्लम बता. सर एक स्फीयर है जिसकी वेलोसिटी सर यू है, वो कोलाइड करता है एग्जैक्टली सेम स्फीयर के साथ जो सर रेस्ट पे है, तो सर हमें इसका रेशियो फाउंड करना है जो दिया गया है 1 माइनस किसका रेशियो, किसका मास का रेशियो? नहीं सर वो आफ्टर कोलिजन का, दोनों का. किसका किसका आफ्टर कोलिजन? सर टू स्फीयर्स आफ्टर कोलिजन. हां मतलब मास का या किसका, उनके वेट का रेशियो, ये किसका प्रूव करता है रेशियो? व्हाट इज दिस सर वेलोसिटी? तो फिर बोलना रेशियो ऑफ वेलोसिटी. वी हैव टू प्रूव दैट रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज गिवन बाय, दैट मींस वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट v1 बाय v2 इक्वल टू 1 माइनस e अपॉन 1. ऐसा नहीं बोलने का, उसका रेशियो पूछना है. किसका रेशियो? तो वेलोसिटी का रेशियो. ओके एनीबॉडी हु कैन डू इट, मैं 2 मिनट वेट करता हूं, और यू कैन टेल मी आइडियाज, आइडियाज हु कैन गिव मी. नो आसान है, इतना आसान है यू विल नॉट बिलीव इट, इज सच अ सिंपल प्रॉब्लम. दिखने में ना ये देख के डर जाते, बाप रे प्रूफ 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई नहीं आएगा, मेरे को नहीं आएगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, जबकि एकदम इजी है. चलो मैं हिंट देता हूं, लॉकम लगाओ लॉकम, चलो सब लोग लगाओ लॉकम, अप्लाई करो लॉकम. आई एम गोइंग टू आस्क यू एंड यू लेट शो मी द पेपर. सर मैंने लॉकम लगाया, लॉकम का फुल फॉर्म क्या है मास?
सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दैट्स राइट. सब लोग अप्लाई करो. लोकम का जनरल फॉर्मूला क्या है? प्रिशा प्रिशा डायग्राम बना के मेरे को दिखाओ क्या बनाया. अब बोलना नहीं है तो मत बोलो, लेकिन डायग्राम बताओ. चलो जल्दी शो मी द डायग्राम. प्रिशा शेट्टी, प्रिशा बोलती भी नहीं है, डायग्राम भी नहीं बताती. आई डोंट लाइक इट. चलो ओके okay, इधर देखो. M1 U1 plus M2 U2 M into U plus M into 0 MV1 plus MV2 MM gets cancelled. V1 plus V2 equal to U. Equation number 1. Equation number 1. कितने लोगों को ये मिल गया था already? I got. Okay. बड़ा भार्गेश, भार्गेश. Yes sir. ये मिला था नहीं? अभी मिला, कॉपी मार गया? नहीं sir, अभी मिला नहीं था. मैंने वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वो लिख दिया था. चलो अभी अगला क्या करूं? विधि, कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई डू फर्दर? अभी मेरे को कैसे निकालूं v2 minus v1? ये तो v1 plus v2 मिला, v2 minus v1 कैसे निकालूं? और v1 अपॉन v2 कैसे निकालूं? बोलो ना. हाँ बोलो 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 बोलो. राइट राइट राइट. क्या भाई? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ई. फॉर्मूला ऑफ ई. हाँ, ई इक्वल टू U minus 0 equation 2 1 plus 2 equal to U. U plus EU. चलो ना, 2v2 ही रखते हैं इसको. Equation number 3. And then we'll do what, you know, we want v2 तो मिल गया, अभी v1 चाहिए. तो we'll do 1 minus 2. माइनस कर रहा है ना, तो माइनस कर ले. दिस माइनस विल बिकम प्लस. माइनस माइनस, तो दिस विल बिकम 2v1. इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 will give me 2v1 upon 2v2 equal to u into 1 plus e. There you are, hence proved. एक बार रूलर मार दूं. यस सर. कितना इजी था, कितना इजी प्रॉब्लम था. इसलिए लेकिन इसको देख के हालत खराब. ओके, यहां देखो, यहां देखो. डायग्राम बताने की कोई जरूरत नहीं है.
m1 u1 plus m2 u2 m1 u1 plus m2 law com. M1 is m, u1 is u, m2 is n, u2 is 0 equal to m into v1 plus m into v1. It's exactly similar sphere. M sub cancel. The v1 plus v2 is u, equation number 1. We know by definition equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2. Equal to v2 minus v1, u1 kitna hai u, u2 kitna hai 0. Therefore, v2 minus v1 equal to u times e. Equation number 2. Add karenge dono ko. Add karenge to minus v1 or minus v1. Yeh the way likha hua vaise 1 or 2. Add kya to dono gaye 2 v2 equal to u into u plus eu. Therefore, 2 v2 is u into 1 plus e. Equation number 3. Then 1 minus 2. 1 minus 2. Yere 1 as it is likha, ye 2 as it is likha minus kya matlab iski sab sign change kar do. Ye v1 plus v1 will become 2 v1. V2 minus v2 is cancel. U minus eu. So 2v1 will be u into 1 minus e. Equation number 4. We want to know v1 upon v2. So divide 4th by 3rd. So 2v1 upon 2v2 is u into 1 minus. They wrote upside down. U into 1 minus e upon 1 plus e. So 1 minus e upon 1 plus e. Khalas. Khalas. I hope that's clear. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सच्ची बताओ difficult था क्या कुछ भी मैंने ऐसा मेरे यहाँ special knowledge use किया कि नहीं ये तो मैं जरा डराऊंगा धमकाऊंगा student लोग को law of conservation of momentum और e formula उसके ऊपर ही किया मैंने कुछ नहीं किया mathematics apply की वही solving simultaneous equation easy easy एक तो direct add करो दूसरा subtract करो you'll get the answer. I didn't like this. सबको आना चाहिए था ये प्रॉब्लम कभी भी ध्यान रखो प्रॉब्लम देख के नहीं है तो मेरे को नहीं आने वाला करके अटेम्प्ट ही नहीं करते उधर ही हालत खराब हो जाती अटेम्प्ट क्या होगा नहीं आएगा ना थिंक एटलीस्ट समथिंग समथिंग आसपास जाके सोचना चालू करो लिखना चालू करो एंड आई एम टेलिंग यू 75% केसेस में यू विल रीच टू द सॉल्यूशन चलो सपोज नहीं भी 75% के यू डोंट रीच टू द सॉल्यूशन बट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू विल गेट द सॉल्यूशन बेटर चलो ओके इसके बाद अगला प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने एक प्रॉब्लम पे जाने के पहले मैं एक रिजल्ट देता हूँ मस्त रिजल्ट देता हूँ बहुत बढ़िया रिजल्ट है ये नीट के लिए सबके लिए यूजफुल रहेगा नीट जेडब्ल्यूई एमएसटी सीईटी ये मैंने बनाया है बढ़िया रिजल्ट बनाया है आप देखेंगे तो मजा आएगा आपको रिजल्ट को ज्यादा ध्यान में रखो तो क्या होगा मालूम है एमसीक्यूज विल बी फास्टर फटाफट सॉल्व कर पाओगे आप देखो ये बॉल यहां से किधर ड्रॉप की थी ये पहला रिबाउंड फर्स्ट रिबाउंड तो यहां पे टकराने की वेलोसिटी v तो रिबाउंड वेलोसिटी क्या होगा v1 ev छोटा बहुत छोटा लिखा है मैंने लेकिन दिख नहीं रहा होगा ना कि दिख रहा है v1 ev मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं सर दिख रहा टकराने की वेलोसिटी v रिबाउंड वेलोसिटी ev v1 फर्स्ट रिबाउंड v1 And remember, first rebound ke baad H1, height to which it will travel, ye HT. Aur jo H1 will be equal to E square times H. Second rebound, yahi likh dete hain, chalo. B1 is EG. Second, rebound v2 will be e square v h2 will be e raised to 4h third rebound v3 e cube v
चलो एक प्रॉब्लम से समझा देता हूँ। बोलते हैं एक हाइट 80 मीटर से ड्रॉप किट, पहला रिबाउंड हुआ ढक, दूसरा रिबाउंड हुआ ढक, तीसरा रिबाउंड हुआ ढक, तो थर्ड रिबाउंड के बाद x3 पूछा उसने, तो अगर e की वैल्यू 0.5 है तो कैसे निकालेंगे? और x3 का फॉर्मूला e^6h यानी कितना? कितना होता है? 16. That is equal to so many meters. Height 128 कर देते तो अच्छा रहता था। Height ऐसा करो ना 128 मीटर ले लो, तो क्या उनका मस्त आंसर आएगा? तो कितना आंसर आएगा बताओ? सपोज 128 मीटर से ड्रॉप किया 0.5, तो थर्ड रिबाउंड के बाद हाइट कितनी? थर्ड रिबाउंड के बाद हाइट का फॉर्मूला e = 6h, 0.5 = 6h, h = 128, तो 1/2 = 6 into 128, 1/6. तुमने क्या बोला आफिफ? 2:6? नो सर, I didn't like it. But at least I like the answer तो देते हो कम से कम, मुंह खोलना मुझे अच्छा लगता है, भले ही wrong answer दो, at least you get the correction. देखो 2 मीटर रहती है खाली थर्ड रिबाउंड के बाद हाइट, इज दिस अंडर क्लियर? आपको ये डायग्राम समझ में आया क्या? पूरा क्लैरिटी है कि नहीं है बच्चों? ओ प्यारे बच्चों, दिस विल बी h2, this will be h3 height, this will be v2, this will be v3 velocity of rebound. हमारे पास टाइम लेस देन 1 मिनट बचा है, समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, बट आई एम श्योर यू आर फाइंडिंग दिस इंटरेस्टिंग, और ये भी बोरिंग है. इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं जीतू? यस सर. इंटरेस्टिंग है कि बोर मार रहा है सब? सर इंटरेस्टिंग बोलना पड़ता है सर, अभी क्या बोले आपको बोलना पड़ता है सर. विधि, विधि. यस सर. लिटिल बोरिंग ना? लिटिल इंटरेस्टिंग. श्योर ना? ओके. सब लोग मिलके बातचीत करो, बहुत मजा आएगा क्लास में, लाइव लगेगा लाइव, नहीं तो मैं अकेला बीन बजा रहा हूँ टॉन टॉन टॉन, तुम लोग सुन रहे हो, धीरे धीरे सो भी जाते हो गए घर पे मालूम नहीं, तो ओम को तो जैसे पूछो भाग जाता है वो, जैसे क्वेश्चन पूछो ना ओम कम ऑन तो ओम गायब. ओम ऐसा क्यों करते हैं? ओम व्हाई डू यू लाइक दिस? देखो अभी गायब हो जाएगा, अभी गायब 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 गायब.